चेयरमैन मिनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान अकमल भट्टी ने कहा है कि वजीर मजहबी अमूर जबरी तब्दीली मजहब करवाने वालों की पुश्त पनाही कर रहे हैं, वजीर आजम कलमदान वापस लें। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने मसीहियों के मजहबी एहसासात मजरूह किए हैं, मजहबी हम आहंगी के नाम पर मजहबी इंतशार बरपा करवाया गया। इस साजिश रचाने का मकसद आलमी दुनिया को ये बावर करवाना था कि मुल्क में कमसुन बच्चियाँ और बच्चे अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करते हैं। इस साजिश की तकमील के लिए राय के लोगों को रट्टा लगवाया गया और मसीही अकीदे पर कीचड़ उछाला गया। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर नफरत फैलाने के जुर्म में मुलव्वस हैं, जिन्होंने तब्दीली मजहब से असबाब ढूंढने के बजाय जाली प्रोपेगेंडे को जन्म दिया। हम इस घिनौने इकदाम की शदीद मजम्मत करते हैं और वजीर मजहबी अमूर से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अकमल भट्टी ने मजीद कहा है कि कौम अब जमीयत उलमा इस्लाम की अकलियती विंग के रहनुमाओं को देख रही है कि वो कब अपने मौलाना फजल रहमान से, मुफ्ती अब्दुल शकूर और मौलाना अब्दुल फितूर से इस्तीफा लेने का मुतालबा करेंगे। मसीही वजारत मजहबी अमूर और उसके साजिशी हवालियों के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम अपनी मसीही कौम से अपील करते हैं कि वो मुफ्ती अब्दुल शकूर और उसके मातहत वजारत के प्रोग्रामों का बायकॉट करें और इंतशारी वजीर को मुंह ना लगाएं। अकमल भट्टी ने कहा है कि जाली अकलीती नुमाइंदे बुलाकर जो ड्रामा करने की भोंडी कोशिश की गई, इसे मसीही शुरका ने नाकाम बना दिया। अगर हुकूमत ने इस साजिशियों मसीहियों और औरतों से नफरत करने वाले वजीर को ना हटाया तो पूरे मुल्क में इस वजीर के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद होगी।